हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। ये बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी सी ध्यान से बनाने से बहुत टेस्ट आता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। ये देखिए बहुत बढ़िया से बना है हमारा पत्ता गोभी की सब्जी। मैंने पैन गर्म किया है, उसमें ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल डाला है, इसमें मस्टर्ड सीड डाली है थोड़ी सी, और अदरक लहसुन के पेस्ट डाले हैं साथ में, और थोड़ी सी मैंने मेथी के दाने भी मिक्स किए हुए हैं। बस इसे हल्के से फ्राई कर लेना है, सॉटे कर लेना है, और उसके बाद इसमें मैंने चॉप करके जो आलू रखे थे काट करके पानी में भिगो कर उसे इसमें डाल दिए हैं, और डालने के बाद इसका लिड बंद कर दिया है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और एक साइड हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं और दूसरे साइड मैंने थोड़ा से चॉप करके टमाटर डाले हैं, दो छोटे साइज के टमाटर डाले ताकि दोनों एक साथ फ्राई हो जाए, एक साइड में आलू और दूसरे साइड में हमारे टमाटर एक साथ हो जाएंगे फ्राई। उसके बाद मैंने देखे ये अच्छे से पत्ता गोभी को काट कर धो लिया था, उसे डाला है उसमें। थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी पाउडर, यानी कि हाफ टेबल स्पून डाला है दोनों मिक्स करके, और बस इसे मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इसका लिड बंद कर देना है ताकि ये आराम से पक जाए। लिड बंद करने से इसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर से ही ये अच्छे से बन जाएगा हमारा। देखिए ये मैंने लिड बंद किया, और खोल कर मैं इसे एक बार दो बार अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि जो ऊपर नीचे कर देने से ये बन जाएंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं उसी से ये बन जाता है। तो गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नई रेसिपी। और नेक्स्ट रेसिपी है हमारी सोया चंक्स की, तो आप हमारी वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं इसको।